ठीक ठाक है आपके बच्चे वगैरह सब ठीक है शुक्र आपने उनको टॉप करना नहीं नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने दो है चलो फिर मैं टॉप कर लेता ले 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 अच्छा फिर खुर्रम भट्ट साहब आप बताएं कि बीवियां कितनी हैं आपकी जाहिर है एक अल्हम्दुलिल्लाह तो कैसा रवैया है उनका आपके साथ बहुत ही बेइज्जती करती है ओहो ओहो ये तो नून ली पीटीआई वाले ना जाहिर है पीटीआई वाले नून ली अच्छा 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 चले हम आपसे आपको बुलाया हमने इसलिए कि आप ना अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी टांग के साथ क्या हुआ था कैसे हुआ था किधर आप जा रहे थे और सारा डिटेल में आप प्लीज बताएं लो जी बच्चों आप उसे बोलो हुआ ऐसे था कि एक दिन काम से मैं वापस आ रहा था क्या काम करते थे मेरे चचा का बजरी और रेत का अच्छा काम था अच्छा तो जाहिर है वहाँ से मैं वापस आ रहा था अगले दिन बसंत थी अच्छा। मेरा दोस्त शानी उसका जो मैसेज आया कि बस अब जल्दी से आप पहुँच जाए अच्छा। बसंत है जाहिर है उसकी तैयारियाँ करनी है तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आता हूँ फिर हुआ ये कि मैं वहाँ से निकला रोज की रूटीन थी दुरूद शरीफ पढ़ के आप गाड़ी पे थे या बाइक पे थे मैं वहीं आ रहा हूँ ओके पढ़ के निकला और मैं जाहिर है बाइक पे था अच्छा वो भी 1-5 ओह तो मैं जल्दी से निकला वहाँ से कैंप पहुंचा ये कौन से साल की है बसंत ये मेरा ख्याल है 2002 की बात है अच्छा और जैसे मैं कैंट में पहुंचा जो जहाँ पे पुराना हाजियों का एयरपोर्ट हुआ करता था अच्छा कुछ एक कार थी वहाँ पे जो आ रही थी उसमें फौजी हज़रात थे उन्होंने अचानक से गाड़ी अपनी चला दी वहाँ पे उन्होंने मिस जज की मेरी स्पीड कि शायद मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ तो मैंने ब्रेक लगाई और मेरी बाइक जो थी ना वो स्लिप हो गई और मैं जाके उस जो पिकअप सी थी उसके ऊपर जाके लगा और उसके बाद मैं नीचे ज़मीन पे जो सड़क थी उसके ऊपर गिर गया बाइक मेरी दूर जाके गिर गई उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने देखा नीचे तो एक राउंड बना हुआ था जो मेरा खून था और मैंने देखा कि इतना खून बह रहा है वहाँ से अचानक से एक मेजर जो है वो यूनिट के अंदर से आए जहाँ पे तो दूसरे जो फौजी थे वो अंदर चले गए अपनी यूनिट में जैसे ही मेजर मेरे पास आए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ तो वहाँ पे आपका जल्दी मतलब इलाज हो जाएगा कि ये ना हो कि ज़्यादा नुकसान हो जाए ज़्यादा खून बह जाए आपका तो हम फौरी तौर पे चलते हैं फिर ऐसे हुआ कि मैंने कहा कि मैं अपने चचा को फ़ोन कर दूँ वो मुझे आके हॉस्पिटल ले जाएंगे आपने जो अपना ज़ाहिर है काम करना है वो कर लें वो कहते नहीं नहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए कहीं ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मैंने कहा चले ठीक है मैं आपके साथ चला जाता हूँ फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुआ तो उन दूसरे जो फौजी थे उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में रखा और मुझे ले के हॉस्पिटल चले गए वहाँ जाके के जैसे मुझे वो हॉस्पिटल में ले के पहुँचे वो स्ट्रेचर एक वहाँ का क्या आप उस मेजर का नाम बता सकते हैं नहीं मुझे याद नहीं है उस मेजर का कितने बुला
मेजर मतलब जाहिर लेके वहाँ जब पहुंचे वो स्ट्रेचर लेके आए मुझे लिटाया और तब आप होश में थे? वो डॉक्टर के पास, हाँ जी जाहिर मैं होश में था, तो मुझे लेके गए डॉक्टर के पास। वहाँ जाके उन्होंने मेरी ट्राउजर जो है ब्लेड से काटी और मेरा टांग उन्होंने देखी कि ये टूटी हुई है, वो टांग टूटी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम जो आपका मतलब जिधर ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि ये कितना बेहतर कर सकते हैं उसको। दोबारा उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। अगले दिन मैं जैसे ही अबू मुझे लेने के लिए आए, गाड़ी में उन्होंने बिठाया, मुझे लगा कि शायद मेरी टांग जो है ना दोबारा से टूट गई है, जैसे कि क्रिक की आवाज़ आई मुझे। तो मैंने घर आके अपने अबू से कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद जो उन्होंने प्लास्टर लगाया है जो टांग जोड़ी है वो फिर से हिल गई है। अब एक्सरे के लिए अबू ने ज़ाहिर है फ़ोन किया कि एक्सरे करवा के देखें कि वाकई इस तरह की कोई बात है। तो वो एक्सरे के लिए फ़ोन किया तो वो एक्सरे मशीन ख़राब थी। इसी तरह हम रोज़ाना चेक करते रहे तो वो एक्सरे जो है ना वो मशीन ख़राब रही 2 वीक तक। अच्छा किसकी हुकूमत चल रही थी जो मशीनें इतनी ख़राब रही हैं? ये मेरा ख्याल है उस वक्त नवाज शरीफ की थी। ओहो, तो वो तो मैंने ज़ाहिर है फिर ताया अबू से मेरे बात की, अबू ने उन्होंने कहा कि आप 2 वीक हो गए इतनी देर आपने कर दिया, आप प्राइवेट क्यों नहीं एक्सरे आपने करवाया, मतलब आप उनका तो वेट कर रहे हैं। किधर गए थे, कौन सा हॉस्पिटल गए थे? CMH था हॉस्पिटल जहाँ मैं गया था। तो उसके बाद वो हम फिर प्राइवेट हमने एक्सरे करवाया और डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा वाकई टांग जो है ना आपकी वो टूटी हुई है, वो जुड़ी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि 21 दिन के अंदर एक जो यंग बंदा होता है उसकी तो आपकी दो तकरीबन 21 डेज तक टांग जो है वो टूटी हुई थी। अब पता नहीं हम क्या उसके साथ अब ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, वहाँ पता चलेगा कि हम आपकी टांग में प्लेट्स डालते हैं या प्लेट्स के बगैर ही उसको जोड़ देते हैं। सुबह हुई मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, उन्होंने मुझे बेहोश किया, बेहोश किया तो मेरी जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरी जो रूह है, रूह जो मेरी है वो अंदर से मेरे आहिस्ता 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 एनर्जी कम हो रही है और यहाँ से एकदम निकल गई। अब मैं लेटा हुआ हूँ स्ट्रेचर के ऊपर तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने कि मेरा जो फेस इस तरह ऊपर था, जब मैं निकल रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर से तो मैं अपनी ही बॉडी को देख रहा हूँ और उल्टा मैं पीछे ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं छत से ऊपर गया हूँ मैंने देखा कि मेरी बॉडी नीचे पड़ी है और मैं इस छत से जैसे मैंने क्रॉस किया है तो मैं किसी सुरंग के अंदर था, जहाँ से मुझे ऐसे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कोई रोशनी है और मुझे शायद उस तक जाना है। मैं चलता रहा जैसे कि कोई ट्रेन होती है उसी तरह सुरंग के अंदर जाते जाते जाते, जैसे ही मैं उस रोशनी तक पहुँचा हूँ उसके बाद एकदम से लाल आसमान था, कुछ पहाड़ थे वहाँ पे। वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे एक आवाज़ आई कि आप लोगों को दुनिया में जिस काम के लिए भेजा गया है आप लोग वो काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने ये पूरी लाइन सुनी उसके बाद मैं वापस आना शुरू हुआ, यानी कि जो मेरी रूह थी वो वापस अब आ रही है दुनिया की तरफ। और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं दोबारा उसी जगह पे वापस जा रहा हूँ जो परेशानियाँ और तकलीफ़ें जहाँ पे होती हैं, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फितने, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा और हम एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं, गुस्सा करते हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की
जगह पे वापस जा रहा हूँ, तो मैं महसूस ये कर रहा था कि जहाँ मैं था पहले वो बहुत लाइट अपने आप को मैं महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं दुनिया की तरफ वापस आ रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आना नहीं चाहता वापस, मैं वहीं रहना चाहता था, लेकिन बहरहाल वो मैं वापस आया बॉडी के अंदर। और जैसे ही मैं बॉडी के अंदर वापस आया हूँ तो मुझे आवाज़ आई, कुछ नर्सें मेरा ख्याल है मेरे यहाँ पास थी या थोड़ा सा दूर थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वेव के अंदर आवाज़ आ रही है मुझे, कि वो कहती हैं देखो बेचारा रो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है इसे। और उसके बाद मेरी ज़बान में वाइब्रेशन थी, वही जहाँ से मैंने शुरू किया कि मैं जब भी सफ़र किया करता था दुरूद शरीफ और कलमा पढ़ा करता था, और वही मेरी ज़बान जो है वो वाइब्रेशन होते हुए कलमा भी पढ़ रही थी और दुरूद शरीफ भी। और उसके बाद मैं दुआएं कर रहा था अपनी जितनी भी मेरी फैमिली थी जिन्होंने भी मुझे पाल पोस के बड़ा किया, सबके लिए मैंने दुआ की। और मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे यहाँ पे हवा लग रही है, क्योंकि शायद ये मेरी आँखें गीली थी, तो वो मुझे स्ट्रेचर पे जैसे मुझे मेरा थोड़ा सा होश आई है, तो शायद वो ऑपरेशन थिएटर से मतलब यहाँ शायद कहीं पे वेट करते हैं जब तक मरीज़ को होश नहीं आती, वो आपको बाहर लेके नहीं जाते। आईसीयू में आई थिंक वार्ड था एक जहाँ मुझे लेके गए, और वहाँ से जैसे ही उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से बाहर निकाला तो मेरे मामू वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे देखा तो कहते हैं कि भाई सब ठीक है क्या, आपको कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं, क्या आपके ये चीज़ जो है गीली थी, शायद मैं रो रहा था उधर, तो मैं मुझे वार्ड में लेके गए, वहाँ मेरे नाना और बाकी फैमिली मेंबर्स आए और मैंने उनसे ये जो भी वाकया हुआ या जो भी स्टोरी उस वक्त मेरे साथ ये हुई मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों से जिनके ऑपरेशन हुए थे उनसे पूछा कि क्या ऐसा होता है कि जब आपका ऑपरेशन होता है वो आपको बेहोश करते हैं तो आप कहीं किसी दुनिया में जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि आपका जब ऑपरेशन होता है आप एक तरह से सो जाते हैं, आप जाते कहीं पे भी नहीं हैं। फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं इसके बारे में सर्च करूं कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो बंदा बेहोश हुआ हो जिसको सुला दिया गया हो वो कहीं उसकी रूह निकल के कहीं चली जाए, तो मुझे YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने ये बताया कि जैसे हमारा हमें बेहोश किया हमारी रूह निकल के कहीं किसी सुरंग में चली जाती है, हम वहाँ ट्रेवल करते हैं एक लाइट तक पहुँचते हैं, उसके बाद की उन वाकया या स्टोरी उनको नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ। तो मैं ढूंढता रहा कि शायद मुझे कुछ मिल जाए, तो सिर्फ यही पता चला कि जितने भी लोगों ने इस प्रोसीजर से जो भी गुजरे थे या जिनके साथ भी ये वाकया हुआ था वो सिर्फ सुरंग तक गए थे, उसके आगे नहीं गए। तो फिर मुझे ये ख्याल आना शुरू हुआ कि क्या हम ऐसे काम दुनिया के अंदर करते रहे कि जिसकी वजह से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि जिस काम के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है वो काम आप नहीं कर रहे। तो अब मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है 22 साल या 23 साल हो चुके हैं, जब जब मैं दुनिया के हालात देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि हम हर वो काम कर रहे हैं जो कि गलत है, जो ठीक नहीं है, और बार बार मुझे ये एहसास होता है लोगों को देखे जो कुछ हम कर रहे हैं या कत्लो गारत कर रहे हैं, हम दुनिया में इंसानों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और वो मैसेज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इतने सालों से अब तक हम वहीं के वहीं हैं, हमने कोई तरक्की नहीं की, हमने अपने आप को बेहतर नहीं किया। फिर वो लाइन मुझे याद आती है कि जिस काम के लिए आप लोगों को दुनिया में भेजा गया है आप वो काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें, परेशानी ना दें, सबसे प्यार करें, और जो कोई ऐसा करता है उसको बताएं कि किसी को तंग ना करें। बच्चों को चाहिए वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और भाई बहन माँ बाप सबको मिलजुल के रहना चाहिए,
हम लोग दौड़ में लगे हैं कि हम पैसे कमा लें, लेकिन हम पैसे कमाने के पीछे जाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हम उसके मुताबिक चलें, ना कि हम अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को तकलीफ दें। और अगर हम तकलीफ दे भी दें, कभी गलती हो भी जाए, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग के हमें आगे चलना चाहिए। तो इसलिए ये जो पूरा वाक्या है ये इस तरह का है, मैंने जब भी किसी से बयान किया उन्होंने यही कहा कि इस तरह की चीज़ कभी किसी के साथ हुई नहीं। शायद कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने ये वाक्या रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे लिए मैसेज यही था कि हमें बहुत एहतियात से दुनिया के अंदर रहना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि जब हमने इस ज़िंदगी को गुजार के अल्लाह ताला के पास जाना है, तो क्या हम दुनिया के अंदर वो सब ठीक काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहा था कि जब दुनिया में जाओगे, जो आजमाइशें हमारे पे आती हैं और हम दुनिया के अंदर हलाल कमाते हैं या हराम कमाते हैं, वो सही है या वो गलत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, क्या हम उस आजमाइश पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, क्या हमारी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुँच रही। तो इसलिए ये सारा वाक्या जो भी है, मुझे ये समझ में आई कि हम जितना ज़्यादा तकलीफ़ देने से लोगों को बच सकें उतना बचना चाहिए, ताकि कल को ये ना हो कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएं तो वो हमसे ये जब सवाल करेगा कि जिस काम के लिए तुम लोगों को दुनिया में भेजा गया था, क्या तुम लोगों ने वो काम किया, तो तब हमारे पास क्या जवाब होगा। अगर हमने वो सब काम नहीं किए तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला फिर हमें सजा देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए कोई चीज़ को, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो जिसको मिला है उसको खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ आप सीखें, ये मेरे वालिद साहब कहते थे कि वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। तो लिहाजा ये सारा वाक़िया जो है वो आपको बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को इससे क्या समझ में आई है, वो आपको मुझे बताना है। जी आप कमेंट्स में हमें बता देना, लाइक शेयर भी कर लेना। तो जी लास्ट में खुरम भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तो 2024 शुरू हो गया, अब इलेक्शन भी 2-3 दिन बाद है, आप इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? आप पहले ये बताएं कि आप नून लीग की तरफ हैं या इमरान खान की तरफ। जाहिर है कि मैं इमरान खान की तरफ हूँ, जो कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि उसको 10 साल की सज़ा का जब अनाउंस किया, तो मुझे लगा कि शायद हमारे इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो। जब ये सिस्टम ठीक होगा तो तभी हम तरक्की कर सकते हैं, हम वरना एक दूसरे को इसी तरह काटते रहेंगे। जिसकी जैसे मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी जितनी भी ये गलतियाँ हैं, इसकी वजह से हमारे मुल्क से बंगाली जो हैं भाई वो अलग हो गए, हमने एक मुल्क को यानी कि छोड़ दिया, जो हम जिनको हमारे साथ रहना चाहिए था वो हमसे कहाँ आगे चले गए, बांग्लादेश और इंडिया, हम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के हालात हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो बहरहाल दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और मेरे लिए भी आसानी पैदा करे। चले बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा, आपकी स्टोरी भी सुन के बड़ा अफसोस हुआ। तो चले आपसे इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए किसी और टॉपिक पे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लो जी बच्चों।